नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई पुलिस मुख्यालय में, जहां पर ये स्मारक बनाया गया है और उन लोगों के नाम अंकित किए गए हैं, उन पुलिस अधिकारियों के और एनएसजी के कमांडोज के, जिन्होंने कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में अपनी जान गंवाई थी, जो शहीद हुए थे। 26 नवंबर 2008 को हुए हमले को भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में नरसंहार किया था। उस साजिश पर से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट पाता अगर उन 10 आतंकियों में से एक अजमल कसाब को मुंबई पुलिस की टीम ने जिंदा ना पकड़ा होता। लेकिन उस जांबाज टीम के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। उन बहादुर पुलिसकर्मियों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा वादा किया और फिर भूल गई। 26 नवंबर की रात कामा अस्पताल के पास एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की हत्या के बाद अजमल कसाब और उस आतंकी ग्रुप के कैप्टन इस्माइल ने एक स्कोडा कार को हाईजैक किया। दोनों लोग मलबार हिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने गिरगांव चौपाटी पर नाकेबंदी कर दी। जब कार वहां पहुंची तो उसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन कसाब ने अपनी AK-47 राइफल से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में तुकाराम ओमले नाम के ASI शहीद हो गए और इंस्पेक्टर संजय गोयलकर घायल हो गए। इंस्पेक्टर हेमंत बावधनकर ने अपने रिवॉल्वर से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस्माइल के माथे पर गोली दाग दी और वो वहीं ढेर हो गया। कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अजमल कसाब इकलौता ऐसा आतंकी था जिसे उस हमले के दौरान जिंदा पकड़ा गया था। हेमंत बावधनकर की गोली से मरे इस्माइल के अलावा जो बाकी के 8 आतंकी थे, उन्हें एनएसजी के कमांडोज ने अलग अलग ठिकानों पर मार गिराया था। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना बड़ी बात थी। उससे पूछताछ में ही ये खुलासा हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से कैसे आए थे, पूरी साजिश कैसे रची गई थी और उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। कसाब को जिंदा पकड़ने का श्रेय मुंबई पुलिस को जाता है। 26 नवंबर 2008 की रात हुए उस एनकाउंटर के 12 साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन बहादुर अधिकारियों की हौसला अफजाई करने का फैसला किया। मार्च 2020 में महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया कि कसाब को जिंदा पकड़ने वाली बहादुर टीम को 1 स्टेप प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि 1 स्तर का प्रमोशन दिया जाएगा। और इसके तहत उस टीम में शामिल जो इंस्पेक्टर्स थे, संजय गोयलकर, भास्कर कदम और हेमंत बावधनकर, उनको प्रमोशन देकर ACP बनाया जाना था और जो बाकी के पुलिसकर्मी थे उनको भी 1 स्टेप प्रमोशन मिलना था। अनिल देशमुख के फैसले की जमकर वाहवाही हुई। सारे अखबारों ने उनके ऐलान को प्रमुखता से छापा। बहादुर पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के बीच खुशी की लहर छा गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अनिल देशमुख का बयान इन बहादुर पुलिसकर्मियों के साथ किया गया एक सरकारी मजाक साबित होता नजर आ रहा है। देशमुख के ऐलान के बाद 1.5 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी का प्रमोशन नहीं हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से वसूली का आरोप लगाए जाने के बाद इस साल अप्रैल में देशमुख की कुर्सी छिन गई। हाल ही में उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी गिरफ्तार कर लिया। बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रमोशन का ऐलान करने के बाद अनिल देशमुख साल भर तक गृह मंत्री के पद पर थे, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रमोशन की आस लगाए पुलिसकर्मियों ने उनको याद भी दिलाया, सरकार को याद दिलाया गया कि इस तरह का वादा किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रमोशन के इंतजार में आज कई पुलिसकर्मी रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गए हैं। आतंकी इस्माइल को मारने वाले हेमंत बावधनकर इसी साल दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। इन बहादुर पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ है उसे क्या कहें, सरकार की वादा खिलाफी या फिर एक भद्दा मजाक? अब उम्मीद रह गई है सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मौजूदा गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से, वे ही इन बहादुरों के साथ किए गए वादे को पूरा कर सकते हैं।